कमलिया ना बने, अगले साल वोट मत देना मेरे को, मैं वोट मांगने तभी आऊंगा जब। लेकिन भाई साहब थोड़ी सी तकलीफ भी है, तकलीफ अपने ही लोगों को बताई जाती है। आप अपने हो तो अपना दिल का रोना आप ही के सामने रो सकता हूँ। पिछली बार पूरी दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई थी, आई थी कि नहीं आई थी? 3 रह गई थी। एक मुस्तफाबाद थी उसमें से, पिछली बार मुस्तफाबाद रह गया था। मेरे पास कई लोग आते हैं कहते जी मुस्तफाबाद ने वोट नहीं दिया। मैंने कहा वोट दे ना दे मेरे अपने हैं, काम तो फिर भी कराऊंगा मैं। कामों की चिंता मत करना, जिसको मर्जी वोट दे आना, आपकी मर्जी है। आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, जितने काम आपके होंगे, काम में पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, सारे काम कराऊंगा आपके। अब एक दो काम की बात कर लेते हैं, ये भी काम की बात थी, अब थोड़ी बड़े काम की बात कर लेते हैं। यहाँ इतने हजार लोग खड़े हैं अभी, किस किस को लगता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश के लिए खतरनाक है? हाथ खड़े करके बताओ। दोस्तों पिछले 4 साल में, 5 साल में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जितना बेड़ा गर्क किया इस देश का, 70 साल में भी किसी ने नहीं किया आज तक। मुझे लगता है अगर 2019 में इनकी जोड़ी जीत गई मोदी और अमित शाह की, ये देश नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा। ये चुनाव बंद कर देंगे, संविधान बदल देंगे ये लोग। 1931 में हिटलर आया था जर्मनी में, हिटलर ने आते ही संविधान बदल दिया था जर्मनी का, चुनाव कराने बंद कर दिए थे। और जब तक हिटलर मरा नहीं तब तक हिटलर वहां का प्रेसिडेंट रहा था। मोदी और अमित शाह ने भी यही प्लानिंग कर रखी है, अगर 2019 में ये दोबारा आ गए भाई साहब ये देश नहीं छोड़ने वाले। जितना जहर इन लोगों ने